कैसे हैं? आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आयताटी सर्विसेज पर। दोस्तों, शिवनी नेशनल कॉलेज का जो एडमिशन था उसके सेमेस्टर की नोटिस वो जारी किया जा चुकी है। अब इसमें कुछ क्लासेस जो हैं वो देखिए मिस हैं, जैसे मैं कौन कौन से वो भी बता दूंगा, लेकिन सबका प्रोसेस सेम है और सबकी करीब करीब जो है वो डेट जारी की जा चुकी है। तो अब इसमें ये उठेगा कि एडमिशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो इसको भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप पूरी नोटिस पे हम बात करते हैं, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये नोटिस देख सकते हैं कि और आपको ये नोटिस मिल भी गई होगी कि 15-10 की नोटिस है, और कुछ यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको इसको मिल चुकी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नातक स्तर सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ बीए के कौन से हैं, बीए के थर्ड हैं, फिफ्थ हैं, बीबीए हैं। बीबीए और बीसीए मैंने ऐड नहीं किया है अपने थंबनेल में, लेकिन उनके भी एडमिशन सिमिलर है। फिर बीएससी दिया गया है, उसके बाद तथा स्नातकोत्तर यानी पीजी के हैं, कौन कौन से क्लासेस का यहाँ रखा गया है, तो उसकी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि विधि एलएलबी के बारे में भी कहा गया, एलएलएम है, तो यानी वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर उनकी प्रक्रिया जो है वेबसाइट से होनी है, और उसके बाद जो है गत रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड लेना है, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पर आपको चल के दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना होगा, क्या कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर दो वेबसाइट्स का जो है नाम दिया गया है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि दोनों वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। तो आपको चाहे इसको आप जो है चूज़ कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर शिवली कॉलेज जो है यहाँ पर लिखना होगा। तो जैसे ही मैं शिवली कॉलेज लिख कर आपको दिखाता हूँ, तो आप बस गूगल के अंदर शिवली कॉलेज लिख दीजिए। ओके, ये जो पहली लिंक आएगी इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं, तो बस ये दोस्तों थोड़ा सा उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये आ जाएगा, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन है, आप ऑनलाइन एडमिशन भी क्लिक कर दीजिए। स्टेप पूरे इसको क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट लॉगिन एड एडमिन लॉगिन, तो यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अब सवाल ये उठेगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखा देता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेरा पुरानी जो है स्लिप मौजूद है, पेमेंट की स्लिप है, उस पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। यही रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उसके साथ ही जो है ये पूरी उस पर आपका नाम होगा, नंबर होगा, सब कुछ है। तो ये ना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको रिक्वायरमेंट होगी, या अगर पासवर्ड आपको नहीं पता तो ये नंबर आपको होगा। उसके बाद यही नंबर जब आपको यहाँ इंटर फॉरगेट में जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। अब मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आपको दिखा देता हूँ, और जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो रजिस्ट्रेशन डालने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मैसेज जाएगा, आपका जो नंबर लगा होगा, ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नंबर जो है गया होगा, और मैं पासवर्ड डाल के भी उसको आपको और ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पासवर्ड रिकवर भी किया है, और ये कुछ देख सकते हैं 6:21 पर ये मोबाइल पर जो आपका नंबर होगा उस पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड चला जाएगा। अब ये पासवर्ड आउट डाल देंगे तो डालने के बाद ये खुल जाएगा, तो मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैप्चा और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, तो लेकिन मैं सिक्योरिटी पर्पज से इसको शो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आपको करके भी तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करते हैं तो आपको उसके फॉर्म के अंदर एंट्री कर लेगा। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, और ये एक्सटेंशन है, यहाँ से प्रीव्यू है, डाउनलोड्स है। तो अब मैं आगे स्टेप आपको दिखाता हूँ, यहाँ से जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, जो है सारी चीज करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है रोल नंबर, डालना है ये, डालना है। जैसे आप इस सारी चीजों को डन करते हैं, सेव करते हैं, इसके बाद आपको अपलोड करने का, फिर प्रीव्यू देखने के बाद आपको पेमेंट करना है। तो बहुत आसान है, कर सकते हैं आप इजी वे में। और दोस्तों, आपको मैं नंबर दे दे तो आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको इस तरह कोई एडमिशन करने में किसी तरह की अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आपका नंबर नहीं मिलता है तो इसको लेकर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपका जो है सारी चीज़ें कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।